दोस्तों तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन है कि हंसा'स मदर वॉज 31 ईयर ओल्ड व्हेन सी वॉज बॉर्न। तो हंसा की मम्मी की एज कितनी दी हुई है? 31 साल दी हुई है, जब क्या है हंसा क्या हुई थी? पैदा हुई थी। ओके, जस्ट क्लियर। अब आगे क्या बोल रहा? हंसा'स फादर वॉज 35 ईयर ओल्ड व्हेन हर ब्रदर हु इज 3 ईयर यंगर टू हंसा'स वॉज बॉर्न। तो ये कहना चाहता है कि उसके पापा की एज 35 कब थी? जब उसका भाई पैदा हुआ, और भाई की एज अपनी हंसा से कितने साल छोटा है? 3 साल छोटा है। तो एक चीज बताइए, अगर उसकी पापा की प्रेजेंट एज निकाले तो कितनी होगी? अगर हंसा की जब हंसा पैदा हुई थी तो कितनी एज, जो कितनी एज का होंगे जब इसके हंसा पैदा हुई थी? तो कुछ नहीं करना है। देखिए, ये 35 साल कब की है? जब उसका भाई पैदा हुआ। भाई कब पैदा हुआ था? भाई पैदा हुआ था हंसा जब पैदा हो चुकी थी 3 साल पहले। तो अपन इसको क्या करते हैं, 3 साल क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ठीक है ना? 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगी? जब हंसा पैदा हुई होगी ना, जब की जा जाएगी। तो हंसा कब पैदा हुई थी? ये क्या है, 32 लिख लिया। 32 साल, 32 साल क्यों लिख लिया? क्योंकि आप बताइए, ये आ गई पापा की क्या, प्रेजेंट एज, फादर की। ओके, तो ये क्या, फादर की प्रेजेंट एज। ओके, ये फादर की प्रेजेंट एज। अब एक चीज बताइए, मम्मी की एज निकाल लें। मम्मी की दी हुई है जब हंसा पैदा हुई थी, तो मदर की एज कितनी दी हुई है? मदर की एज दी हुई है कितनी, 31। अब ये बताइए, इनमें डिफरेंस कितने का है? इनमें डिफरेंस है 1 साल का। तो ये पूछा गया है कि पापा और मम्मी के बीच में डिफरेंस कितना है पेरेंट्स के बीच में। तो पेरेंट्स के बीच में डिफरेंस कितना है? 1 ईयर का डिफरेंस है। ओके दोस्तों, क्लियर है? तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है ना? पापा की एज दी हुई थी, कब की दी थी? उसका बेटा पैदा हुआ था। बेटा कितने साल छोटा था उससे? बहन से 3 साल छोटा था। तो 3 साल क्या कर दिया, माइनस कर दिया, क्योंकि अपन को लाख पीछे करेंगे ना एज को, है ना? पापा की एज को पीछे किया 3 साल, तो कितना आ गया, 32 आ गया। मम्मी की एज दी हुई थी 31 साल जब हंसा पैदा हुई थी। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना आ गया? इनके बीच में आ गया 1 का डिफरेंस। तो ये था क्या, क्वेश्चन। ओके दोस्तों।